हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। पहला स्टॉक है हमारा टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1700, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस इज ₹1495। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको ये बाय करनी है। टाटा कम्युनिकेशंस कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड इन कॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1986 इज़ ए मिड कैप कंपनी हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ ₹42,618.90 करोड़। ऑपरेटिंग इन टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है टाटा टेली कम्युनिकेशन। Financials for the quarter ended 30/6/2021, the company reported a consolidated total income of ₹4,116.14 crore, down -36% from last quarter. Total income of ₹4,130.95 crore and down -6.83% from last year same quarter. Total income of ₹4,417.68 crore. Company reported a net profit after tax of ₹297.78 crore in latest quarters. आइए अब कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर FII होल्डिंग्स। प्रमोटर्स हेल्ड 58.9% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ June 30, 2021, वाइल FIIS हेल्ड 24%, DIIS 7.4% एंड पब्लिक एंड अदर्स 9.8%। सो गाइस, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड ये कंपनी आपको बाय करनी है। शॉर्ट टर्म डिलीवरी है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। टाटा कम्युनिकेशंस विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1700, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस इज ₹1495। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹305, the current market price of Apollo Tyres Limited ₹222। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। अपोलो टायर्स कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/6/2021, द कंपनी रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ ₹4,624.92 करोड़, डाउन -9.9% from last quarter. Total income of ₹5,087.57 crore and up 59.46% from last year same quarter. Total income of ₹2,900.28 crore. Company reported net profit after tax of ₹127.78 crore in latest quarters. आइए अब कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स FII होल्डिंग्स। प्रमोटर्स हेल्ड 37.6% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ June 30, 2021, वाइल FIIS हेल्ड 22.9%, DIIS 15.7% एंड पब्लिक एंड अदर्स 23.9%। सो गाइस, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। अपोलो टायर्स कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। अपोलो टायर्स
विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹305, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अपोलो टायर्स लिमिटेड 222, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। सो गाइस आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1140, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ सिप्ला इज ₹922, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। सिप्ला लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1935 इज अ लार्ज कैप कंपनी हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ ₹76,255.66 करोड़, ऑपरेटिंग इन फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर, एक फार्मा कंपनी सिप्ला लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। फॉर द क्वार्टर एंडेड 31/3/2021 द कंपनी रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ ₹4,666.58 करोड़, डाउन -11.21% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹5,255.63 करोड़ एंड अप 4.41% फ्रॉम लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹4,469.37 करोड़। कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹415.51 करोड़ इन लेटेस्ट क्वार्टर। आइए अब कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर FII होल्डिंग्स, प्रमोटर्स हेल्ड 36.7% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ June 30, 2021, व्हाइल FIIS हेल्ड 24.8%, DIIS 16.2% एंड पब्लिक एंड अदर्स 22.3%। सो गाइस एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1140, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ सिप्ला लिमिटेड इज ₹922। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है CESC, CESC लिमिटेड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹905, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ CESC इज ₹777, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। CESC कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। आइए कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स FII होल्डिंग्स, प्रमोटर्स हेल्ड 49.9% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ June 30, 2021, वाइल FIIS हेल्ड 13.4%, DIIS 23.6% एंड पब्लिक एंड अदर्स 13.1%। सो गाइस एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है CESC। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1140, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड इज ₹975, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2000 इज अ लार्ज कैप कंपनी हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ ₹99,794.66 करोड़, ऑपरेटिंग इन FMCG सेक्टर, एक FMCG कंपनी है। Financials for the quarter ended 30/6/2021, the company reported a consolidated total income of ₹2,915.35 crore, up 6.12% from last quarter total income of ₹2,747.31 crore and up 24.10% from last year same quarter total income of ₹2,349.11 crore. Company reported net profit after tax of ₹413.91 crore in latest quarters. Company financial भी काफ़ी strong है। आइए देखते हैं कंपनी के promoters के बारे में। Promoters FII होल्डिंग्स, promoters held 34.7%,
stake in the company as of June 30, 2021, while FIIS held 25.1%, DIIS 14%, and public and others 26.3%. So guys, एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपके बाय करनी है गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड प्रोडक्ट विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1,140. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड इज ₹975. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार. बोलो राधे राधे.